मैदान में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होना है। राजनांदगांव से लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के बूथ में जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, सुनिए। आज हम आप जो हॉट सीट है डॉक्टर रमन सिंह जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी वर्तमान में विधायक भी है, फिर अपने सीट से ही और फिर आज लोगों के बीच में आए हैं, आज प्रत्याशी है जी। डॉक्टर साहब बताइए, घूम रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? घूम रहा हूँ, देख रहे हैं, प्रतिसाद तो यही है, मतदाताओं में, बहनों में, भाइयों में अद्भुत उत्साह है और जम के मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पष्ट रुझान है और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में, तीन बार मैं चुनाव लड़ा हूँ और इस बार जो चुनाव लड़ रहा हूँ चौथी बार, तीनों बार के रिकॉर्ड ध्वस्त होगा और सर्वाधिक वोट से इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। हमले कर रहे हैं भाजपा पे उनको हमले करने के, आखिरी एक दिन बचा है बेचारा, उसका तो उसको लौट के आना नहीं है, तो आखिरी बार जो बोल रहे अपने बोल दे, उनको लौट के राजनांदगांव तो आना नहीं है। वो कहाँ का आदमी और कहाँ यहाँ पे काम करेगा, घूम के देख लिया राजनांदगांव अच्छा है। चलिए तो आपके डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि लौट के फिर जाएंगे।